पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी या नहीं, इस पर यह अब सस्पेंस खत्म हो गया है। दोनों नेता अब एसईओ की मीटिंग से अलग कोई बैठक नहीं करने वाले हैं। समरकंद से हमारे संवाददाता आशीष सिंह से जानिए इसकी इनसाइड स्टोरी। भारत और चीन के बीच में एलएसी पर जो तनातनी चल रही है पिछले 2.5 सालों से, उसकी झलक एससीओ में भी देखने मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि अब भी भारत इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए एक स्ट्रक्चर्ड द्विपक्षीय वार्ता भारत और चीन के बीच में, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच में नहीं हो रही है, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी बीजिंग द्वारा कि PP15 से डिसएंगेजमेंट के बाद में भारत शायद मान जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो इसलिए क्योंकि अब भी ऐसे 3 लोकेशंस बचे हुए हैं जहां पर भारत चाहता है कि डिसएंगेजमेंट हो जाए और चीनी सेना पीछे चले जाए। जब आधे दर्जन से ज्यादा शिप्स, सबमरीन्स, फाइटर जेट्स। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और जो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, बोइंग P-8I, जिसे सबमरीन का पता लगाया जाता है, उसको अगर आप डिप्लॉय कर दें और वो भी ऐसे देशों के साथ में जिनसे चीन की नहीं बनती है, तो साफ और जाहिर बात है कि भारत अब भी PP15 के बाद में लगातार चीन पर प्रेशर बनाए हुए है ताकि बाकी जो लोकेशन से LAC पर, वहां पर से भी डिसएंगेजमेंट हो जाए। और उसकी झलक हमें यहां देखने मिल रही है समरकंद 2022 में SCO के दौरान। पुतिन और जिनपिंग के बीच SCO समिट से पहले कल समरकंद में अहम बातचीत हुई है, जिसमें रूस से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हुए ताइवान पर अमेरिकी नीति का विरोध किया है। वहीं जिनपिंग ने पुतिन को सबसे अच्छा और पुराना दोस्त बताया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कल जिनपिंग और पुतिन के बीच पहली बार आमने सामने की बातचीत हुई, जिसमें चीन को ताइवान से जुड़े मुद्दे पर रूस का भरपूर समर्थन मिला। पुतिन ने जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान चीन की वन चाइना पॉलिसी का खुलकर समर्थन किया। वहीं जिनपिंग ने भी बैठक के दौरान नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा का मुद्दा उठाया और अमेरिका के कदम पर एतराज जताया। यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया के रवैये पर भी राष्ट्रपति पुतिन भड़के। पुतिन ने कहा कि दुनिया में एक गुट बनाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन के मुद्दे पर चीन का जो स्टैंड है, रूस उसका समर्थन करता है। पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान जिनपिंग ने रूस के साथ सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। चीन ने इस दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले को आक्रमण कहने से परहेज किया। बता दें कि रूस यूक्रेन पर हमले को विशेष सैन्य अभियान बताता है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद ये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली विदेश यात्रा है। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।